भोजपुरी का सबसे विवादित मुद्दा जिसको लेकर काफी समय से सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ था, जिसकी खबरें मिनटों में ही वायरल हो जाती थी और लोग उससे जुड़े हर अपडेट्स को जानने के लिए आतुर रहते थे, और वो मुद्दा था पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक का। जैसा कि आप सब जानते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में लंबे समय से पावर स्टार पवन सिंह और उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह को लेकर काफी ज्यादा विवाद था। पवन सिंह ज्योति सिंह के तलाक का मुद्दा तो कोर्ट तक पहुंच गया था। जज ने पहले तो कोशिश की कि दोनों के बीच तलाक न होने दे और उन्हें एक कर दे, लेकिन जब वो ये करने में विफल हुए तो फिर जज ने भी ये कह दिया कि आप लोग तलाक ले लीजिए। लेकिन फिर भी उन दोनों का तलाक नहीं हो सका, जिसकी वजह ये थी कि ज्योति सिंह ने पवन सिंह से तलाक लेने के लिए डिमांड रखा था कि उनको पवन सिंह 8 करोड़ रुपए और एक फ्लैट दें। लेकिन फिर भी उन दोनों का तलाक नहीं हो सका, वजह ये था कि ज्योति सिंह ने पवन सिंह से तलाक लेने के लिए डिमांड रखा था कि उनको पवन सिंह 8 करोड़ रुपए और एक फ्लैट देंगे, तब जाकर वो तलाक के पेपर पर साइन करेंगे, और पवन सिंह ने ये देने से साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ 50 लाख रुपए तक ही देंगे। फिर बहुत समझाने के बाद वो 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ज्योति सिंह इस पर नहीं मानी। बाद में ज्योति सिंह 3 करोड़ और नोएडा में एक फ्लैट की डिमांड करने लगे, लेकिन पवन सिंह नहीं माने। अब इसी मुद्दे को लेकर दोनों में कई बार बहस हुआ और तलाक नहीं हो पाया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के शर्तों को नहीं मान रहे थे और एक मत पर तैयार नहीं हो रहे थे। इसी वजह से बार बार कोर्ट में पेशी होती रही और दोनों का बहस होता रहा, लेकिन फिर भी तलाक नहीं हो सका। कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, तो शायद पवन ज्योति के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी किस्मत में एक होना लिखा था, इसीलिए सालों से तलाक का मुद्दा कोर्ट में चला, लेकिन फिर भी तलाक नहीं हुआ। आपको बता दें कि ज्योति सिंह ने मीडिया में आकर के पवन सिंह को लेकर के बहुत सारे खुलासे किए थे, फिर चाहे वो उनके अफेयर्स के हो या फिर उनके बिहेवियर्स के हो या फिर उनके कैरेक्टर के हो, और पवन सिंह भी कुछ कम नहीं थे। पवन सिंह ने भी कोर्ट के सामने खड़े होकर ज्योति सिंह के बॉडी पर निशान की बात की थी। वो शराब पीती है ये तक कह दिया था, यहाँ तक कि ज्योति का औरों से अफेयर चलता है पवन ने ये तक कह दिया था। अब इस तरह से दोनों मियां बीबी का जो आपसी तकरार था वो जन जन के कानों तक पहुंच चुका था। पवन ज्योति ने एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया तो लोगों को उन दोनों के बीच एक्चुअली में क्या कुछ चलता था वो सब पता चल गया। अब हुआ ये कि मियां बीबी का तकरार जनता के चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोग ज्योति के सपोर्ट में थे तो कुछ लोग पवन सिंह के सपोर्ट में थे, लेकिन फिर भी किसी का इंसाफ नहीं हुआ। ना ही ज्योति को पवन अपना रहे थे और ना ही तलाक दे रहे थे। उधर ज्योति सिंह के पिता की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी, मामला हाथ से फिसलता जा रहा था। ऐसे में ज्योति सिंह को बबिता मिश्रा का साथ मिल गया और पवन सिंह को वीना मानवी का साथ मिल गया। अब ये दोनों मिलकर के पवन ज्योति का क्लास लेने लगे। कभी वीना मानवी पवन सिंह को समझाती तो कभी बबिता मिश्रा ज्योति सिंह को समझाती। अब इसी तरह से पवन सिंह और ज्योति सिंह को एक करने की शुरुआत हुई। वैसे तो ये नामुमकिन सा लग रहा था कि पवन ज्योति एक भी हो पाएंगे, लेकिन ये हो गया। पवन सिंह ज्योति सिंह एक हो गए और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे एक ही घर में, पति पत्नी बनकर, और उनका तलाक भी अब नहीं होगा। कोर्ट में जो तलाक की अर्जी उन्होंने दी थी वो जल्द ही खारिज होने वाला है। अब ये खबर मीडिया में फैल चुकी है, यहाँ तक कि पवन ज्योति के तरफ से भी ये चीजें कंफर्म हो चुकी है। जो लोग पवन ज्योति को एक करना चाहते थे वो तो खुश हैं, लेकिन जो लोग उन्हें अलग करना चाहते थे वो लोग परेशान हैं कि आखिरकार ये चमत्कार कैसे हो गया। तो चलिए इसी के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। पवन ज्योति एक कैसे हो गए ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर वो अलग ही क्यों हुए थे। पवन सिंह ज्योति सिंह अलग हुए थे, इसके पीछे का कारण उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग थे। आपको बता दें कि ज्योति सिंह पवन सिंह की दूसरी पत्नी है। ज्योति सिंह ने खुद ही मीडिया में ये बोला है कि मेरे आने के बाद पवन सिंह का अफेयर अक्षरा सिंह के साथ सालों तक चलता रहा। तो ये थी पहली वजह जिस वजह से उन दोनों के रिश्ते में दरार आया। आपको बता दें कि पवन ज्योति की जो शादी हुई थी वो अरेंज मैरिज थी। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, दोनों एक दूसरे को नहीं समझते थे, तो ये थी दूसरी वजह उन दोनों की अलग होने की।
तीसरी वजह ये थी कि पवन ज्योति के बीच बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गलत फहमियाँ डाल रहे थे। ज्योति के कान में पवन के खिलाफ भर रहे थे और पवन के कान में ज्योति के खिलाफ भर रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं उन दोनों को अलग करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया। एक दूसरे को ना समझ पाना, एक दूसरे की इच्छाओं का मान न रखना, एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर न करना, एक दूसरे पर ट्रस्ट न करना, एक दूसरे से खुलकर बातचीत ना करना, एक दूसरे को समझने की कोशिश ना करना, ये सारी वजह थी जिस वजह से पवन ज्योति का रिश्ता टूट गया। कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग करके प्रूफ के तौर पर रख लेना, उनके पीछे जासूसी करना, पवन सिंह को एक आंख नहीं भाता था। और वहीं ज्योति सिंह को पवन सिंह का किसी और लड़की के करीब जाते हुए देखना पसंद नहीं था, उनका किसी और के साथ नाम जुड़े ये सुनना पसंद नहीं था। इस वजह से उन दोनों में अनबन होती गई और फिर उन दोनों का रिश्ता टूट गया और दोनों अलग होने का फैसला कर लिए और तलाक का मुद्दा कोर्ट में चलने लगा। हालांकि ज्योति ने बाद में ऐसा बहुत सारा बयान भी दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि पवन सिंह उन्हें टॉर्चर करते थे, उन्हें मारते थे, उन्हें ब्लैकमेल भी करते थे। हालांकि ये दोनों मियां बीबी के बीच की बात है। हैरानी की बात आपको तब होगी जब ये सब जानने के बाद भी आप ये सुनेंगे कि अब दोनों एक हो गए हैं। आपने इस वीडियो में अब तक ये तो जान लिया कि पवन ज्योति अलग क्यों हुए थे, अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि आखिर इतना बवाल मचाने के बाद दोनों एक कैसे हो गए। पवन सिंह ज्योति सिंह के बीच में सुलह कराने वाले वीना मानवी, उनकी टीम बबिता मिश्रा और पवन ज्योति के शुभचिंतक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पवन सिंह और ज्योति सिंह में कन्वर्सेशन की कमी थी। साफ शब्दों में कहें तो वो दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे, अपनी दिल की बातें एक दूसरे से शेयर नहीं करते थे। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए लखनऊ में एक मीटिंग रखी गई जिसमें पवन सिंह और ज्योति सिंह को आमने सामने बंद कमरे में बिठाया गया। अब पति पत्नी एक दूसरे के सामने घंटों बैठे रहे। घंटों बैठकर दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करना शुरू किया। बातचीत के दौरान ज्योति ने अपना दर्द पवन को सुनाया, पवन ने अपनी तकलीफ ज्योति को बताई। ज्योति ने पवन सिंह से कहा कि मैं आपको तलाक नहीं देना चाहती हूं और आपके साथ रहना चाहती हूं। पवन ने भी कहा कि मुझे तुम्हें अपने साथ रखने में कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम अपनी आदतों को बदल लो। इस पर ज्योति ने कहा कि मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ जिसमें आपकी खुशी है। तो पवन सिंह ने कुछ शर्तें रख दी। पवन सिंह ने कहा कि तुम्हारा मुझ पे बार बार शक करना, मेरे ऊपर जासूसी करना और मुझसे सवाल जवाब करना मुझे पसंद नहीं है, तुम्हें ये सब चीज बंद करना पड़ेगा। इसके बाद पवन सिंह ने कहा कि जो तुम कॉल रिकॉर्डिंग करती थी, वीडियो रिकॉर्डिंग करती थी, प्रूफ इकट्ठा करती थी, वो सब कुछ भी करना छोड़ना होगा। ज्योति ने भी कह दिया कि मैं ये सब छोड़ दूंगी, जो जो आपको नहीं पसंद है वो सब मैं नहीं करूंगी। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो आप मुझे कीपैड फोन दे दीजिए जिसमें कोई कॉल रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होता, मैं वो रख कर भी खुश रहूंगी। पत्नी की इतनी बातों को सुनने पर ही पावर स्टार उन्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गए। अब ज्योति भी उनके साथ रहने के लिए तैयार इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने भी कुछ शर्तें रखी थी जो पवन सिंह ने मान ली थी। ज्योति सिंह की शर्त ये थी कि पवन सिंह उन्हें पत्नी का दर्जा दें, अधिकार दें और सम्मान दें, उन्हें अपने साथ दिल से रखें, दबाव से नहीं। तो इस तरह से पवन सिंह ने भी ज्योति सिंह की शर्तों को मान लिया और मियां बीबी का जो तकरार था वो खत्म हो गया। सूझबूझ के साथ दोनों मियां बीबी बैठकर आपस में बातचीत करके सुलह कर लिए और जब ये खबर सामने आई कि पवन ज्योति एक हो गए हैं तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो इस वीडियो में आपने जाना कि पवन सिंह ज्योति सिंह अलग क्यों हुए थे और पवन सिंह ज्योति सिंह एक कैसे हुए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो इस वीडियो में आपको बातें बताई गई है वो सही नहीं है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सारी बातें जो हमने आपको बताई है ये वीना मानवी और उनके टीम और बबिता मिश्रा ज्योति सिंह के पोस्ट को ध्यान में रखते हुए बताई है। सबकी बातों को सुनने और समझने पर ये सारी चीजें सामने आई है जो हमने आपको इस वीडियो में शेयर किया है। अब पवन सिंह के घर में ज्योति सिंह रह रही हैं या फिर वो अभी भी अपने ही घर में हैं, इसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन सुनने में ये आया है कि जल्द ही पवन ज्योति एक साथ एक ही घर में रहेंगे, यानी कि ज्योति सिंह अपने ससुराल चले जाएंगे और तलाक का मुद्दा खारिज हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा वक्त के हाथ में है। अभी ना तो ज्योति सिंह की तरफ से और ना ही पवन सिंह की तरफ से ऐसा कोई पोस्ट सामने आया है जिससे ये समझ में आए कि दोनों एक साथ हैं या अपने अपने घर पर हैं। वेल, इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस वीडियो पर जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह के तमाम लेटेस्ट अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।